तिजारा विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस टिकट के दावेदार दिलावर सरपंच अब मतदाताओं को रिझाने की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने मंगलवार को कस्बा तिजारा के मुख्य बाजारों और भिवाड़ी रोड पर एक रैली निकालकर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो अपनी जनता की अपेक्षा को पूरी करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ तिजारा से भिवाड़ी तक रैली निकाली और कुछ जगहों पर लोगों से मुलाकात कर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी के चुनाव टिकट के लिए मुकाबला दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है। क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर दिलावर सरपंच मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। उनका कहना है कि तिजारा क्षेत्र में आज भी संपूर्ण विकास की जरूरत है। सरकार आज तक लोगों को पर्याप्त बिजली पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई है। दिलावर सरपंच ने कहा कि इस बार वे कांग्रेस पार्टी से चुनावी टिकट मांग रहे हैं। पार्टी ने अगर उन्हें जनता की सेवा करने का मौका दिया तो वो तिजारा विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। दिलावर सरपंच ने कहा कि वो जनता के हक की लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अब किसी बाहरी चेहरे को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देगी। रैली से पहले अपने समर्थकों की एक बैठक में उन्होंने जनता को क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी देकर गांव में पहुंचने वाले उम्मीदवारों से सवाल पूछने की अपील की। उन्होंने जनता से सेवा का एक मौका मांगा और शिकायत नहीं देने की बात कही। सर जी, हमारी मांग तो ये चल रही है, हमारे अपन निजी एमएलए को टिकट मिले जी, जो बाहर भी को नहीं मिले, अपने तिजारा तहसील का हो उसी के साथ रहेंगे। दिवाली की सबको शुभकामनाएं देना है और तिजारा की गुटबाजी को खत्म करने के लिए हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो हमारे क्षेत्र में रहे, हमारे दुख दर्द को समझ सके। हमें 5,000 का किराया लगा के जयपुर बंधुआ वो नहीं जी। मैं सोनू जाटा वार्ड नंबर 18 से, दीपावली हुए भैया दोज गोवर्धन के हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हमारे को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो लोकल चाहिए, जो हमारी दुख समस्या को समझ सके। ऐसा नहीं जैसे भाई बता जयपुर भी जाना पड़े, ऐसे 5,000 कोई इकट्ठा थोड़ी करेगा। हम कैसे कैंडिडेट चाहिए लोकल, और हमारे साजिद भाई ऐसा हमारा कैंडिडेट चाहिए। और मजबूती से रोड देखो क्या हो रहा है, विकास के नाम से लिए जा रहे कांग्रेस कर रही है। ये साजिद भाई को हमकी ये प्रार्थना है, साजिद भाई को टिकट मिले और उनको दावेदार SC ST एकजुट साथ है और 1,000 लोग इसके साथ हैं, और जितने भी जहाँ जरूरत तोड़े हम भाई साथ जाए। और सचिन पायलट से ये विनती है कि इनको टिकट दी जाए। सर, जो लोकल की आवाज उठ रही है बढ़कर उभर है, बिल्कुल सही है। लोकल की बिल्कुल जनता की आवाज है। हमारे मेघवाल समाज, हमारे मल्लभ राव जी मोमडन तो है ही है कांग्रेस का, और गुजर भाई जितने भी हैं बिल्कुल लोकल की सबकी डिमांड है। हम लोकल हैं, हम इलाके में लोकल है, अच्छे लोग सबको जानते हैं भावना को। कांग्रेस की इस टाइम बड़ी जबरदस्त लहर है। अगर टिकट सोच समझ कर तिजारा विधानसभा अगर लोकल को कोई युवा को अगर बढ़िया जो उनको दिया तो कम से कम भी, मैं ये नहीं कह रहा, कम से कम 40,000 से यहाँ से तिजारा विधानसभा हम सीट से जीता के भेजेंगे यहाँ से। कि यहाँ हमारा क्या है, हमारे मामन जी विधायक रह लिए 4.5 साल यहाँ पूरा हो गए उनका कार्यकाल। मामन जी ने काम तो कराए लेकिन भेदभाव क्या हमारे मोमडन भाइयों के साथ में, दलित भाइयों के साथ में भेदभाव क्या उन्होंने जबरदस्त मतलब। और दूसरा हमारे ये है कि हमारे तो रूम आज यहाँ से 15 साल लगातार रहे हैं और प्रबल सत्ता में रहे हैं, चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं यहाँ से। कभी हमने उसको ग्राम पंचायत किसी ने नहीं देखा कोई 50 मीटर का रोड या 50 मीटर का मतलब कोई छोटा टुकड़ा में दिया, कोई यार कहीं चले जाए मेरे हाथ में। नवाब साहब से हम 15 साल से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सर दुखी हैं। और मैं सचिन जी से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है सर, हमारी जनता की भावना को देखते हुए टिकट दिया जाए तिजारा का, अन्यथा मजबूरन हमने कोई और कदम उठाना पड़ेगा। और दुर्रू मियां से और फजल भाई से यहाँ गुटबाजी जबरदस्त, 2013 में हारने कारण ही गुटबाजी है, और अगर गुटबाजी खत्म करनी है मैं सचिन पायलट जी से और हम अपने राहुल जी से मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ सर यहाँ मतलब गुटबाजी जबरदस्त है, और इस गुटबाजी दिलावर भाई को या साजिद भाई को कोई रिश्ता नहीं है, वो किसी को भी टिकट देते हैं यहाँ पार्टी, बिल्कुल गुटबाजी खत्म हो जाएगी। मेरा दावा है 40-30 हजार से कम पार्टी को जिता के भेजेंगे। दुर्रू मियां यहाँ से टिकट अगर उनको मिलती है तो फजल यहाँ से 100% निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेगा। गुटबाजी कारण अगर फजल चुनाव लड़ता है तो गुटबाजी कारण हमको मजबूरन कहीं भी
नहीं तो कैंडिडेट को मत करना पड़ेगा। और अगर गुटबाजी खत्म करनी है तो यहाँ के युवा को मैं ये नहीं कह रहा दिलावर या स्थानीय किसी को भी टिकट दे दे पार्टी, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जीत के हम जयपुर पहुँचाएंगे उसको। यहाँ के स्थानीय लोकल आदमी को टिकट देने से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होती है, और अगर दुरुमिया जी को यहाँ टिकट दिया जाता है तो फजल 100% चुनाव लड़ेगा, और यहाँ के किसी और लोकल आदमी को जो दिलावर हारेगी, हाँ सीट हारेगी, 100% हारेगी, ये तयशुदा बात है। पूरा सारा मतलब वोटर एक जगह एकजुट हो जाएगा, और साजिद भाई तो किसी तरह का कोई ग्रुपबाजी नहीं है। हमारे तजारत जो जनता है ये चाहती है कि अपने लोकल आदमी को जो हमारी देखभाल भी करे, पूछताछ भी करे, ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं है जो यहाँ से आके जीत कर जयपुर पहुँच जाए, 5,000 में गाड़ी करो, फिर वहाँ मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो हमारा कहना आपसे यह है निवेदन कि आप मुझे लोकल को टिकट दो, चाहे किसी को भी दे दो, यानी हमारा कोई दुख बाजना ना गुट बाजिए। फजल भाई ने भी ये कह चुका है कि अगर लोकल को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नवाब को टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे के भी नाराज, मुसलमान तो नाराज है ही है, और जो गुटके हैं वे भी नाराज हैं, लेकिन ये हम तो आपसे ये कहते हैं कि आप लोकल में दिलाओ टिकट को, और इन सल मतलब 20-30-40,000 से वोट जीत के आएगा। जो मुसलमान भाई है वो हमारे साथ है, हमारे ST एक्ट के जो आदमी है वो भी साथ है, ठीक है। और हम अपने जो हम सदा से अपने मुसलमान भाइयों को वोट देते आए हैं, तो आप हमारे को ये भाई वोट देने के लिए तैयार हैं, हम उनके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं।